अब आपको बताते हैं आपके लग्न के अनुसार। जी हां, लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं, आपके लग्न के अनुसार आपको बताते हैं कि आप कौन सा एक दान है जो आपको हमेशा करते रहना चाहिए, और वो एक दान अगर आप हमेशा करते रहेंगे तो आपका कल्याण होता रहेगा, जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न का सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह होता है बुध, इसीलिए मेष लग्न वालों के लिए बुध ग्रह का दान करना हमेशा अच्छा होता है। मेष लग्न वाले जब भी चाहें बुध ग्रह की वस्तुओं का दान, हरी चीजों का दान कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः मेष लग्न वालों को मेरी सलाह ये है कि हर बुधवार को गाय को हरा चारा अगर आप खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बुध का निरंतर दान भी होगा, गाय की सेवा भी होगी और आपको लाभ भी होगा। अगर आपका लग्न मेष लग्न है और जीवन में कष्ट ज्यादा है, जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, तो शनि का दान करना आरंभ कर देना चाहिए। बुध का दान तो आप हमेशा करेंगे, लेकिन अगर जीवन में कष्ट ज्यादा हो तो मेष लग्न वालों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है शनि। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शनि का दान करना आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से आपके कष्ट कम होंगे। शनि का दान हमेशा नहीं करना मेष लग्न वालों को, लेकिन जीवन में हर काम में रुकावट आ जाए, हर काम में ब्लॉकेज आ जाए, हर काम में अड़चन आए, तब आप शनि का दान करना शुरू कर दीजिएगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्लेनेट होता है मंगल, इसीलिए वृषभ लग्न वालों के लिए मंगल का दान करना हमेशा शुभ होता है। मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान वृषभ लग्न वालों को नियमित रूप से करते रहना चाहिए। हर मंगलवार को किसी गरीब आदमी को लाल फल का, गुड़ का, तांबे का और तांबे के बर्तन का दान करना अच्छा होगा। अगर आपका वृषभ लग्न है, आप हर मंगलवार को एक लाल फल का दान करते रहिए, सामान्यतः जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगर जीवन में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो शनिवार को प्रकाश का दान आपको करना चाहिए। वृषभ लग्न के लिए जो ग्रह बाधा देता है, सबसे ज्यादा जो बाधाओं का कारण बनता है वो बनता है शनि, इसीलिए ज्यादा कष्ट की स्थिति है तो शनिवार को प्रकाश का दान करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों को हमेशा बृहस्पति का दान करते रहना चाहिए। मिथुन लग्न में बृहस्पति हमेशा जीवन में ब्लॉकेज पैदा करता है, बाधाएं पैदा करता है, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें देता है और करियर को सेट नहीं होने देता। यानी बृहस्पति इनके जीवन में अक्सर कष्ट का कारण बन जाता है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए बृहस्पति का दान करना हमेशा शुभ होगा। हर बृहस्पतिवार को केले का, चने की दाल का, पीले फल का और सोना यानी स्वर्ण,
इसका दान आपको करते रहना चाहिए। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो आप एक नियम बना लें कि हर बृहस्पतिवार को मैं केले का दान करूंगा या करूंगी। आप देखेंगे आपके जीवन में सामान्यतः समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और जीवन में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो रविवार को गुड़ का दान करिए। रविवार को गाय को गुड़ खिला दें, मंदिर में दे दें, किसी गरीब आदमी को दे दें। ज्यादा कष्ट की स्थिति हो, अगर आपका लग्न मिथुन हो, तो रविवार को गुड़ का दान आप करना शुरू करिए, आपका ज्यादा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः जब ज्यादा कष्ट हो तभी रविवार का दान करिएगा, अन्यथा मिथुन लग्न में बृहस्पतिवार को केले का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली का सबसे बड़ा जो विलेन है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है शनि। तो कर्क लग्न वाले नियमित रूप से शनि का दान जरूर करते रहें। शनि आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठा हो, विपरीत राजयोग बना रहा हो, फिर भी वो जीवन में झटके जरूर देता है। इसलिए अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो शनि का दान करना आपके लिए हमेशा शुभ होगा, हमेशा फायदेमंद होगा। हर शनिवार को काली दाल, काली उड़द की दाल, काले चने और लोहे की चीजों का दान हर शनिवार को नियमित रूप से आपको करते रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो हर शनिवार को काले चने का, काली दाल का दान आप नियमित रूप से करते रहें, किसी भी मात्रा में करते रहें। जीवन में जो कष्ट है, जो मुश्किलें हैं, वो सामान्यतः आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर कर्क लग्न है और ज्यादा कष्ट हो रहा है, तकलीफें बढ़ रही हैं, कर्क लग्न वालों को इमोशनल प्रॉब्लम, मानसिक समस्या ज्यादा होती है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और विशेष कष्ट हो रहा है तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क लग्न की सबसे बड़ी बाधा का कारण है शुक्र। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ रुक जाए तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करने से जिंदगी रास्ते पर आनी शुरू हो जाती है। सिंह लग्न, इनके जीवन में भी समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है शनि। इसलिए अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आपके लिए भी शनि का दान करना हमेशा शुभ रहेगा। सिंह लग्न वाले नियमित रूप से शनि का दान करते रहें। काली दाल का, काले चने का, लोहे की चीजों का दान सिंह लग्न वाले हर शनिवार को करते रहें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो ये बात आप जानते होंगे कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, और इस संघर्ष को कम करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जीवन में अगर कष्ट ज्यादा हो जाए, जीवन में कष्ट ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को लाल फल का दान करिएगा। अगर कष्ट ज्यादा हो रहा हो, जीवन ब्लॉक हो गया हो, कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा हो, तो मंगलवार को लाल फल का दान करने से आपको लाभ होगा।
एक सेब ले लें और मंगलवार को गाय को खिला दें या मंदिर में दे दें या किसी निर्धन आदमी को दे दें, कितना भी भारी कष्ट हो ये दान करने से वो कष्ट कट जाएगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है इनका मंगल। कन्या लग्न वालों को मंगल जब भी आएगा ना, तकलीफ दिए बिना नहीं जाएगा, बिना उपद्रव किए वो जाएगा ही नहीं। इसीलिए आपके लिए हमेशा मंगल का दान करना शुभ होता है। अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो मंगल का दान करिए, आपके लिए शुभ होगा। और मंगलवार को आप दान करेंगे लाल फल का, गुड़ का और तांबे के बर्तनों का या तांबे की वस्तुओं का दान आपको करते रहना चाहिए। लाल मसूर की दाल का दान भी आप कर सकते हैं। तो कन्या लग्न वाले एक नियम बना लें सामान्यतः कि हर मंगलवार को मैं गुड़ का, लाल फल का, तांबे के बर्तनों का या मसूर की दाल का दान नियमित रूप से करता रहूंगा, नियमित रूप से करती रहूंगी। अगर कन्या लग्न वाले कॉन्स्टेंटली ये दान करते रहें, जीवन में सामान्यतः मुश्किलें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको विशेष कष्ट हो रहा है, क्योंकि कन्या लग्न वालों को अक्सर वैवाहिक जीवन को लेकर के और मानसिक स्थिति को लेकर के कष्ट होता है, अगर आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है जीवन में या ज्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो बृहस्पतिवार को केले का दान करना आपके लिए शुभ होगा। जब भी जीवन में लगे कि ब्लॉकेज आ गई है, सारी रुकावट हो गई है, सब कुछ रुक गया है, तो बृहस्पतिवार को केले का दान करना शुरू करिए, आपकी रुकावट दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।